समतुल्य भार। आपको बता दें फ्रेंड कि जो भी रासायनिक इकाई है मोलरता मोलनता मोलंस और नॉर्मलता और फॉर्मलता, तो मोलरता मोललता और मोलंस मोल पर आधारित है और जो हम लोग नॉर्मलता या सामान्यता पढ़ेंगे वो समतुल्य भार पर आधारित है। तो यहां केमिकल यूनिट स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को आज हम समतुल्य भार सिखा मतलब निकालने के लिए सिखाने जा रहे हैं। ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि परमाणु का परमाणु भार होता है, अणु का अणु भार होता है, आयन का आयनिक भार होता है, उसी तरह सारे रासायनिक समूह का समतुल्य भार भी होता है। और किसी तत्व का समतुल्य भार वह भार होता है जो हाइड्रोजन के एक भाग से, ऑक्सीजन के 8 भाग से और क्लोरीन के 35.5 भाग से संयोग करता है, समतुल्य भार कहलाता है। मतलब आपको हम यहां जो समतुल्य भार बताने जा रहे हैं तीन राउंड में बताएंगे। पहला तत्व का समतुल्य भार, दूसरा अणु यानी यौगिक का समतुल्य भार और तीसरा आयन का समतुल्य भार और उसके अलावा भी ऑक्सीकारक एवं अकारक का समतुल्य भार। तो सबसे पहले हम आपके सामने समझाने जा रहे हैं तत्व का समतुल्य भार। ये तत्व का समतुल्य भार आप अच्छे से यहां समझ जाएंगे। तत्व का समतुल्य भार बराबर होता है परमाणु भार बटा में संयोजकता, यानी तत्व का समतुल्य भार का सूत्र होता है परमाणु भार बटा में संयोजकता। बट पर ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तत्व का समतुल्य भार बराबर तत्व का परमाणु भार बटा में संयोजकता, ये समतुल्य भार का सूत्र होता है। इक्विवेलेंट वेट का सूत्र होता है। तो यहां पर तत्व का समतुल्य भार परमाणु भार और संयोजकता पर आधारित है। तो संयोजकता निकालने के लिए हम अलग से सिखाने जा रहे हैं। ध्यान से सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। जिस तत्व के बाह्यतम कक्ष में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, एस और पी ब्लॉक के लिए ये काम करेगा ये नियम कि जिस तत्व के बाह्यतम कक्ष में 1, 2, 3, 4 रहता है, बट पर ध्यान दीजिए, उसकी संयोजकता वही होती है। लेकिन जिसके बाह्यतम कक्ष में 4 से अधिक होता है तो 8 में से घटा देंगे। कितना में से घटाएंगे? कब घटाएंगे? जब 4 से अधिक। अगर आपको हमारा बात समझ में आया तो बताइए। अगर फास्फोरस 15, 2, 8, 5 तो बाह्यतम कक्ष में 8 से अधिक है, मतलब 4 से अधिक है, तो 8 में से 5 घटाकर संयोजकता बताएं। अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम का और 11, 2, 8, 1 तो आप इसका घटाएंगे नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे। फिर से समझिए, एल्युमिनियम 13, 2, 8, 3 तो इसका संयोजकता 3 ही हो जाएगा। लेकिन वही क्लोरीन बोलेंगे 17, 2, 8, 7 तो यहां 8 में से घटाकर बोलेंगे। तो सबसे पहले ये जानना है कि तत्व का समतुल्य भार निकालने के लिए तत्व का परमाणु भार चाहिए और उसकी संयोजकता चाहिए। और संयोजकता के लिए हमने बता दिया कि जिसके बाह्यतम कक्ष में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होता है संयोजकता वही होती है, और 4 से अधिक होता है तो वहां पर 8 में से घटाकर बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन घटाते हैं, तब जाकर आपको वहां संयोजी यानी संयोजकता का पता चलता है। तो संयोजकता इसका निकालने के लिए 8 में से 7 घटेगा। जल्दी से बताइए, सिलिकॉन 14, 2, 8, 4 तो संयोजकता 4। तो इतना आपको आना चाहिए तो आप तत्व का समतुल्य भार निकाल पाएंगे। अब इसको 2-3 एग्जाम्पल से सीखिए। जैसे सपोज दैट हमको कैल्शियम का समतुल्य भार निकालना है, तो कैल्शियम का समतुल्य भार बराबर कैल्शियम का परमाणु भार 40 और कैल्शियम का यहां लिखना होगा 2, 8, 8, 2 तो कितना आया संयोजकता? तो यहां पर परमाणु भार में 2 से भाग देंगे, कितना आ गया? 20। अब आइए सोडियम का, तो सोडियम का 11 होता है 2, 8, 1 तो यहां पर परमाणु भार में कितना भाग लगेगा? 1 से। और इस तरह अब यहां पर तीसरा एग्जाम्पल देखते देखते आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जा रहा है। इक्विवेलेंट वेट को ई से लिखते हैं, ई का फुल फॉर्म इक्विवेलेंट वेट होता है। तो यहां पर एल्युमिनियम का पहले परमाणु भार बताएंगे, पीछे परमाणु भार एल्युमिनियम का 27, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 के अनुसार 2, 8, 3 तो आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि यहां भाग लगेगा 3 से और आ रहा है 9।
इसी तरह से और भी आप तत्व का देख सकते हैं, मैग्नीशियम, तो इसका परमाणु भार 24 और मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 2 8 2 यानी भाग लगेगा 2 से, तो 24 परमाणु भार है और 12 अणु भार, अणु भार का समतुल्य भार, समझ में आ रहा है। तो तत्व का समतुल्य भार निकालने के लिए आप सीख गए, परमाणु भार बटा में संयोजकता के माध्यम से आप समतुल्य भार निकालते हैं। समतुल्य भार क्या होता है, तो पुराने जमाने में मतलब पहले ये नियम बनाया गया था कि हाइड्रोजन के एक भाग से या क्लोरीन के 35.5 भाग से या ऑक्सीजन के 8 भाग से जो तत्व तो संयोग करेगा, जितना संयोग करेगा वही उसका समतुल्य भार होगा। लेकिन यहां पर परमाणु भार बटा में संयोजकता के सूत्र से आप समतुल्य भार निकाल सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं यौगिक के दुनिया में। यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अम्ल, एक होता है भस्म और एक होता है लवण। तो यहां हम अम्ल का समतुल्य भार सिखाने जा रहे हैं। और आप सभी स्टूडेंट को पहले बता दें कि अम्ल भी तो 2 प्रकार के होते हैं, एक हाइड्रोजन रखने वाले अम्ल, ठीक है, और एक बिना हाइड्रोजन रखने वाले अम्ल, यानी विस्थापनशील हाइड्रोजन रखने वाले अम्ल और एक बिना विस्थापनशील हाइड्रोजन रखने वाले अम्ल, जैसे H2SO4, HCl, HNO3, ये सभी क्या है, हाइड्रोजन रखने वाले अम्ल है, ये सभी हाइड्रोजन रखने वाले अम्ल है। अब आपको बता दें कि आप सिद्ध कर चुके हैं लेविस अम्ल भस्म विचारधारा में कि HCl3 भी क्या है, अम्ल है। तो यहां पर ध्यान देना है कि अम्ल 2 तरह के होते हैं, एक हाइड्रोजन रखने वाले, एक विस्थापन से हाइड्रोजन रखने वाले, एक विस्थापन से हाइड्रोजन नहीं रखने वाले। दोनों तरह के अम्ल का समतुल्य भार हम आपको धीरे धीरे 5 मिनट के अंदर में सिखा देंगे, आप अच्छे से ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन रखने वाले अम्ल का समतुल्य भार। तो यहां पर जिस अम्ल का समतुल्य भार निकालना है, यानी जिस अम्ल का समतुल्य भार निकालना है उसके अणु भार में विस्थापनशील हाइड्रोजन की संख्या से भाग देंगे। जैसे देखिए HCl है तो टूटेगा तो H+Cl-, तो यहां 1 से भाग देंगे। अगर हम मान लीजिए H2SO4 का बात कर रहे हैं तो H2SO4 यहां पर 2H+ SO4-, तो यहां पर इसके अणु भार में कितना से भाग लगेगा, 2 से। फिर से समझिए, अगर आपको H3PO4 का समतुल्य भार निकालना है, किसका, H3PO4, तो अणु भार में कितना से भाग देंगे, 3 से। ये कैसे जाने, H3PO4 को तोड़िए, 3H+ PO4-, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अणु भार भी निकालने में कुछ दिक्कत होता है, तो सीखिए, बहुत आसान है। H का होता है 1, Cl का होता है 35.5, तो क्या लिखेंगे बोलिए, 1+35.5/1, तो आंसर कितना आया। अब यहां ये H2SO4 में H=1, S=32 और O=16। अब आप सूत्र में सबका मान रखवाइए, H2SO4 है, 2 हाइड्रोजन के लिखेंगे 1 × 2, समझ रहे हैं, प्लस 32+16×2, तो कितना आया, 98/2 मतलब 49। तो 49 क्या कहलाएगा, समतुल्य भार कहलाए। तो आप अभी वैसे अम्ल का समतुल्य भार निकाल रहे हैं जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन स्थित होता है, तो विस्थापनशील हाइड्रोजन रखने वाले अम्ल का समतुल्य भार का सूत्र क्या हुआ, अणु भार बटा में विस्थापनशील हाइड्रोजन की संख्या। इसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है। अब एक चीज और जानिए, विस्थापनशील हाइड्रोजन की संख्या को संक्षेप में भस्मीयता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलिए, इसकी भस्मीयता, इसकी भस्मीयता, इसकी भस्मीयता। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि H3PO4 की भस्मीयता निम्नलिखित में से कौन होगी, 1 2 3 4, आंसर होगा 3। आपको बताना है HNO3 की भस्मीयता 1, कैसे 1 हुआ, तोड़ दीजिए, जितना विस्थापनशील हाइड्रोजन की संख्या होगी, अगर आपके एग्जाम में आ गया कि HNO3 का समतुल्य भार निम्नलिखित में से कौन सही है, HNO3 का, तो ऑप्शन M/1, M/2, M/3, M/4 क्या होगा, M/1, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि टूटने पर 1H+ देगा। ये है समतुल्य भार निकालने का सूत्र, और ये वैसे अम्ल पर काम करेगा जो विस्थापनशील हाइड्रोजन रखेगा, जिसके पास विस्थापनशील हाइड्रोजन नहीं होगा उस पर काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बात।
तो यहां पर जो हमने अभी समझाया इसको थोड़ा एकदम सिस्टम में देख लिया जाए। अभी हम आपको सबसे पहले हम परमाणु का समतुल्य भार समझाए, परमाणु भार बटा में संयोजकता के माध्यम से आप निकाल लेंगे। उसके बाद हम आपको अब बताने जाए, उसके बाद बताए अम्ल का समतुल्य भार। तो यहां देखा जाए अम्ल का समतुल्य भार दो राउंड में शुरू होगा। किस फर्स्ट शुरू हुआ, वैसे अम्ल जिसमें विस्थापनशील क्या होता है, आयतन स्थित होता है। तो हमने क्या बताया, अम्ल का समतुल्य भार बराबर अम्ल का अणु भार बटा में कुल विस्थापनशील आयतन की संख्या। E2SO4 का मतलब है H2SO4 मतलब का, या E2SO4 मतलब H2SO4 का समतुल्य भार। यहां पर देखिए एम बटा टू कैसे हुआ, क्योंकि इसको तोड़ने पर 2H+ निकल रहा है, इसको तोड़ने पर देखिए 3H+ निकल रहा है। तो यहां पर 3 से भाग लगा, यहां कितना 2 से। अब ये कैसे हुआ, तो 2 हाइड्रोजन है 1 × 2 एक सल्फर प्लस 32 तीन यहाँ 2 × 4 ऑक्सीजन है तो 16 × 4 टोटल जोड़कर कितना आया 98/2। 98 क्या है अणु भार, 2 क्या है विस्थापनशील हाइड्रोजन की संख्या। और आप एक चीज और नोट में आप सभी स्टूडेंट लिखते समय जरूर लिख लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भस्मीयता बराबर कुल विस्थापनशील हाइड्रोजन की संख्या, यही लिखा हुआ है भस्मीयता बराबर कुल विस्थापनशील हाइड्रोजन की संख्या। आप ये भी सूत्र लिख सकते हैं अम्ल का अणु भार बटा में भस्मीयता। पीछे ध्यान दीजिए, जो लोग आज से आए पूरा पूरा समझ में आपको आना ही आना है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर आप लोग जो समझे, क्या ये बात क्लियर है कि यहां 2 से क्यों भाग लगा और यहां 3 से क्यों भाग। अब जो चीज हम बताने जा रहे हैं, अब सभी स्टूडेंट अगर ध्यान से समझेंगे, इससे यहां से बहुत सारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है और ये क्वेश्चन एक एक करके हम आपके सामने धीरे धीरे रख रहे हैं। अभी आप वैसे अम्ल का समतुल्य भार निकालने जा रहे हैं या सीख रहे हैं जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन स्थित होता है। और हमने क्या सूत्र बताया, अम्ल का अणु भार बटा में कुल विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन की संख्या। अब जरा सा बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3 के रूप में H3PO2 H3PO3 ठीक है। और इसी के साथ साथ हम अलग से H3PO4 फिर से ले रहे हैं, कुछ हमको समझाना है इसलिए। ध्यान दिया जाए, सबसे पहले H3PO2 का यहां पर अगर आपसे पूछे कि जल्दी से बताइए इसका समतुल्य भार क्या, बताइएगा M/2 M/3 M/1 क्या, M/3 पूरा पूरा धोखा खा गए, 100% गलत जवाब है H3PO3। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है H3PO3 का समतुल्य भार क्या होगा, M/1 M/2 M/3 M/4 यहां भी M/3 बोलने का प्रयास करेंगे जो गलत है। तो कैसे गलत है, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है अब आपको मिलने जा रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले H3PO2 में हम ध्यान दे रहे हैं, H3PO2 हम डिटेल में अच्छे से H3PO2 के बारे में पहले समझा जाए। देखिए H3PO2 में बताइए तो कौन कौन सा तत्व है, H, B, O। H का कितना होता है, तो सिर्फ 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं जानते हैं, आज आप सभी स्टूडेंट 7 बजे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, मेरा मीडियम हिंदी है, और हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो लेक्चर सेंड कर दीजिए, तो आप सभी के पास वीडियो लेक्चर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, जो 4 मेथड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा देगा। जल्दी से फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भेजिए, बोलिए जल्दी से, ऑक्सीजन का बोलिए 6, सबके बाथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है 1, 5, 6, जितना बाथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड के निर्माण में भाग लेता है, तो फास्फोरस के बाथम कक्ष में कुल कितना है 5, ये रहा फास्फोरस का अपना 5 इलेक्ट्रॉन। बट पर ध्यान दिया जाए, ऑक्सीजन टोटल संख्या में कितना है, ऑक्सीजन यहां संख्या में कितना है, तो 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन अपना 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन आ रहा है देखिए अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन लेकर, टोटल हाइड्रोजन कितना है, 3 हाइड्रोजन आ चुका, सारे एटम आ गए, जिसके पास जितना भाधम कक्ष में है उतना ही लेकर आया है।
अब आपके सामने बॉन्ड का निर्माण शुरू होने जा रहा है, ध्यान से आप देखेंगे। देखिए तो हाइड्रोजन का द्वियक पूरा हो गया, हाइड्रोजन जहां है दो पर पूरा करेगा अपना हीलियम के बराबर। ऑक्सीजन का देखिए आठ पूरा हो गया, यहां देखिए फास्फोरस का भी आठ पूरा हो गया। ठीक है, दिक्कत केवल एक के साथ है और वो ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का अगर साधारण सरदारी आप करेंगे, परस्पर सरदारी करवाएंगे, तो यहां देखिए इसका गड़बड़ हो जाएगा, यहां पर इसका अष्टक भंग हो जाएगा इसका। इसलिए हम यहाँ एडवांस सरदारी करवाएंगे, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, उप ससंयोजक बंधन। ये उप ससंयोजक बंधन इसके बॉन्ड को पूरा करेगा, और ये उप ससंयोजक बंधन तीर वाला बंधन होता है। तीर वाला बंधन होता है, ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये तीर वाला बंधन इस तरह से दिया जाता है, और ये अब इस तरह से तीर खींचने का मतलब है कि इसका गिनती अब दोनों के लिए होगा, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन किसका है? पी का है, लेकिन अब इसका काउंटिंग गिनती दोनों के लिए होगा। अगर आपको समझ में आया तो बताइए किसके किसके बीच कौन कौन सा बॉन्ड बना है, अलग से लिखवाइए। स्टार्ट, एच और ओ के बीच सिंगल बॉन्ड, ओ और पी के बीच, पी और एच के बीच, यहां पर सिंगल बॉन्ड, और यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ गया? तो ये है लेविस बिंदु संरचना, सब कुछ इसी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अब जरा ध्यान से और सभी तीनों मॉलिक्यूल का हम लोग को देखना था, तीनों का बारी बारी से देख लिया जाए। जैसे आपने इसका देखा, अब एक मिनट में इस तीनों का देख लीजिए। देखिए जैसे आप उसको देखे, बस थोड़ा सा दिमाग में परिवर्तन लाइए, जैसे ओ यहां पर एच और पी के बीच में है, H3PO2 और H3PO3 में कितना का अंतर है? केवल एक ऑक्सीजन का। वो एक ऑक्सीजन वैसे ही आएगा जैसे ओ और जैसे पी और एच के बीच में ओ है, वैसे ही इधर भी आ जाएगा। तो बोलिए इस तरह से बोलिए, सिंगल बॉन्ड ए, सिंगल बॉन्ड पी, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, बाकी सब जेव का तेव रहेगा। अब वैसे ही यहां पर फिट कर दीजिएगा तो इसका बन जाएगा। समझ रहे हैं तो बोलिए, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। अब हम मेन कॉन्सेप्ट आप लोग को बताने जा रहे हैं। आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ गया है जरा ध्यान से सुन लीजिए। पीछे क्वेश्चन आया है कि H3PO2 एकल भाष्मिक अम्ल है, क्यों? एकल भाष्मिक, एक विस्थापन से हाइड्रोजन रखता है, क्यों, जबकि दिखाई दे रहा है तीन। यहां पर इसके लिए क्वेश्चन अलग से आ गया है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में और CBSE बोर्ड में कि ये H3PO3 द्विभाष्मिक अम्ल है, क्यों, जबकि तीन हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और ये त्रिभाष्मिक अम्ल है H3PO4, क्यों? ये पहला क्वेश्चन अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया है। दूसरी तरह से क्वेश्चन आया है कि H3PO3 का समतुल्य भार निम्नलिखित में से कौन संभव है? तो H3PO3 का समतुल्य भार बताना है, M/1, M/2, M/3 और M/4। तो सही जवाब है M/2, और दिख रहा है M/3, लेकिन ये M/2 होगा आखिर कैसे? इस सब का जवाब पूरे कॉन्सेप्ट बेसिस पर हम देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कोई है तो फ्लोरीन, और इसका विद्युत ऋणात्मकता का मान 4 होता है, और उससे कम पीछे ध्यान दीजिए ताकतवर कोई एलिमेंट है तो वो है ऑक्सीजन, 3.5। आपको बता दें कि जहां भी ऑक्सीजन बहुत कम विद्युत ऋणात्मक तत्व से या फ्लोरीन बहुत कम विद्युत ऋणात्मक तत्व से अगर ससंयोजक बंधन बनाता है सरदारी वाला, तो उस बॉन्ड का पूरा इलेक्ट्रॉनिक खींच लेता है खुद। तो ऐसा हमको OH बॉन्डिंग O और H के साथ, जहां O डायरेक्टली कम विद्युत ऋणात्मक तत्व किसी से जुड़ेगा, आपको बता दें कि इस पूरे में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन है, उससे अधिक फास्फोरस है और सबसे अधिक ऑक्सीजन है। तो जहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा है वहां हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा। पता लगाइए कितने जगह पर है, तो ऐसा केवल एक जगह पर है और वो है ये,
इस जगह से इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा और H प्लस निकल जाएगा। अब इसी बात का अध्ययन आप अपना प्रारंभ करिए तो पता चला कि इस वाले में दो ऐसा जगह है जहां H प्लस निकलने की संभावना है। और इसमें तीन ऐसा जगह है जहां से H प्लस निकलने की संभावना है। दिखाई तो दे रहा है कि तीनों में तीन हाइड्रोजन है, तीनों H प्लस दे देगा, तीन तीन H प्लस दे देगा। लेकिन जरा बढ़िया से देखिए, यहां पर O का डायरेक्ट H से जुड़ाव केवल एक जगह है, इसमें दो जगह है और इसमें, तो जितना ज्यादा OH बॉन्डिंग होगा उतना ज्यादा H प्लस मुक्त करेगा। तो आपका यहां पर एक विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन मिलने का संभावना है, यहां दो और यहां तीन। ये द्वि एकल भाष्मिक अम्ल है, ये द्वि भाष्मिक अम्ल है, ये त्रि भाष्मिक अम्ल, और यही से आंसर मिलता है कि H3PO2 का जो समतुल्य भार होगा, H3PO2 का जो समतुल्य भार होगा वो m बाई वन होगा, यानी इस अणु भार में वन से भाग लें। और यहां अगर H3PO3 का समतुल्य भार निकालना होगा तो केवल दो से, और यहां अगर H3PO4 का समतुल्य भार निकालना होगा तो m बाई। अगर आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से इसका समतुल्य भार निकलवाइए सामने। H3PO2 स्टार्ट, 1 गुणा 3 प्लस 31 प्लस 16 गुणा 2 1, कितना रहा है जोड़िए, H3PO3 1 गुणा 3 प्लस 31 प्लस 16 गुणा 3 बटा 2 कितना आया, 66 96। H3PO2 66। चलिए अब इसका 1 गुणा 3 प्लस 31 प्लस 16 गुणा 4 3 98 बटा 3 और इसका 82 और ये आ रहा है कितना, यहां पर दो से भाग लगा, अभी दो भी करना है, तो ये हो गया कितना और ये हो गया 32.9। ठीक है ना, 32.6। तो यहां ध्यान दिया जाए, ये तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है, सब्जेक्टिव में भी आ चुका है। सब्जेक्टिव में कैसे कैसे आया है, साबित करें कि H3PO3 एक द्विभाष्मिक अम्ल है। तो साबित कैसे होगा, सबसे पहले आप लेविस बिंदु संरचना इस तरह से आप सभी स्टूडेंट बनाएंगे। ये लेविस बिंदु संरचना जो ही बनाएंगे सामने आ जाएगा ये बात कि OH बॉन्डिंग इस पूरे यौगिक में OH बॉन्डिंग दो है, एक बाएं और एक दाएं, और जहां भी O से डायरेक्ट जुड़ा रहेगा H तो वहां H का इलेक्ट्रॉन O खींचेगा। देखिए यहां पर अपोजिट हम दिखा दिए हैं, ये खिंचाव इधर की ओर खिंचाएगा, O की तरफ खिंचाएगा और तब H रिलीज होगा। तो ये H प्लस यहां से निकलेगा और ये खींचेगा कौन, O, तो O की तरफ तीर दिखाना होगा, ये ध्यान देना होगा। तो इसमें कितना जगह से निकलेगा, एक जगह से, इसमें दो जगह से और इसमें, तो ये है इसका समतुल्य भार 66, इसका 41 और इसका 32.6। तो ये था आपका समतुल्य भार का, अम्ल का समतुल्य भार का क्लास, जिसमें हमने वैसे अम्ल के बारे में बताया जो विस्थापनशील हाइड्रोजन रखता है। जो विस्थापनशील हाइड्रोजन नहीं रखता है, जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, HCl3 एक ऐसा अम्ल है जो विस्थापनशील हाइड्रोजन नहीं रखता है। तो जरा इसको तोड़िए, ये कैसे टूटेगा, एल प्लस 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 और 3Cl, तो इसके लिए सूत्र है समतुल्य भार का, अणु भार बटा में धनायन पर स्थित कुल आवेश। तो धनायन पर स्थित कुल आवेश कितना है, ऋणायन पर स्थित कुल आवेश कितना है, तो धनायन या ऋणायन पर स्थित कुल आवेश की संख्या से भाग देना है, किस चीज में, अणु भार में। अगर आपको समझ में आए तो भाग बताइए कितना से लगेगा, तो अणु भार निकलवाइए, एल्यूमिनियम का होता है 27, क्लोरीन का 35.5, गुणा कितना से,
बटा में जो भाग देकर आएगा क्या कहलाएगा, समतुल्य भार की अणु भार, और ये क्या है अणु भार। तो ये वैसे अम्ल के लिए काम करेगा इस सूत्र जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन